अमेरिका के MQ-9 की डील को लेकर अमेरिका को भारत ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप वो जो उसमें टेक्निक लगी हुई है, जो टेक्निक इस्टेब्लिश कर रहे हैं आप, वो टेक्निक आप हमें दे दीजिए। लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते। और 30 पीडियट्रिक ड्रोन जो भारत में आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी भारत के पास ऐसा कोई शक्तिशाली ड्रोन नहीं है, रुस्तम ड्रोन को छोड़ करके, ठीक है। तो भारत की DRDO ने कहा कि भाई ऐसा है कि जब अमेरिका देने को तैयार नहीं टेक्निक, हमें और अच्छी और हमें दुनिया से सबसे शक्तिशाली ड्रोन चाहिए, तो हम खुद के दम पर इस्टेब्लिश करते हैं। तो DRDO, भारत का DRDO पूरे विश्व में अपनी प्रखर पहचान के रूप में जब जाना जाता है तो अपने काम के वजह से जाना जाता है। और फिर से एक बार अपने DRDO ने इतिहास लहरा दिया है और दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि भारत जब दुनिया में कोई रास्ते नहीं, जब रास्ते खत्म हो जाते हैं तो भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए आगे आ सकता है। और DRDO ने एक करके दिखा दिया है। DRDO की क्या है सक्सेसफुल थिंकिंग, आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ। ऐसा ड्रोन DRDO ने बना लिया है जो लॉन्च करता है 5 किलोमीटर दूर तक, कोई भी मौजूदा एयरक्राफ्ट है, कोई टैंक रखा हुआ, कोई कुछ भी है तो उसको उड़ा सकता है, हवा से मिसाइल लॉन्च करके उड़ा सकता है। DRDO का ऐसा एक ड्रोन है। इस ड्रोन को DRDO का अर्चर ड्रोन कहा जाता है, जो ऑल वेदर में लड़ने को तैयार होगा। अभी इसको लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। अर्चर ड्रोन को DRDO तुर्की के मीडियम एप्टीट्यूड कॉम्बैक्ट ड्रोन बाई रिट्रेट TB2 के तर्ज पर बना रहा है, मतलब उसी की तरह हूबहू बनाने की कोशिश में कर रहा है DRDO अर्चर ड्रोन को, ठीक है, जो कि तुर्की के मीडियम एल्टीट्यूड कॉम्बैक्ट ड्रोन से बायरेटर TB2 के तर्ज पर बन रहा है। TB2 वही ड्रोन है जो अजरबैजान के जंग में रूस के S-300 को मार के छक्के छोड़ा दिया था। S-300 रशिया का, आपको याद होगा, उसको TB2 ड्रोन वही ड्रोन है जिसने S-300 को मार के एकदम चकनाचूर कर दिया था। यही अर्चर ड्रोन की डिज़ाइन लगभग TB2 ड्रोन से मिलती है, जो कि अजरबैजान वाली लड़ाई में उसको यूज़ किया गया था, ठीक है। जो DRDO अभी बना रहा है ड्रोन, उसका हूबहू सब चीज़ बायरेटर TB2 जो कि तुर्की के मीडियम एल्टीट्यूड कॉम्बैक्ट ड्रोन है, उससे मिलता जुलता है DRDO का अर्चर ड्रोन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आगे इस डिज़ाइन को और भी डायनेमिक और भी स्पेक्टिकुलर करने की इंतजाम कर रहा है भारत का DRDO, ठीक है। और ADA के डायरेक्शन, मतलब ADA की तरफ से बात कही गई है वीडू गोपाल जी के अकॉर्डिंग, कि अर्चर ड्रोन को रुस्तम ड्रोन से काफ़ी अलग बनाया जा रहा है, मतलब अर्चर ड्रोन को रुस्तम ड्रोन से काफ़ी यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है भारत का DRDO, मतलब थोड़ा यूनिक और दिखाने की कोशिश कर रहा है। और स्पेशली बनाया जा रहा है इसलिए कि इससे हम बॉम्बिंग कर सके चाइना को। मैंने आपको याद होगा S-2 बॉम्बर मैंने बताया था, चाइना ने LAC के पास तैनात कर दिया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, तो भारत भी इस तर्ज पे बनाना स्टार्ट कर चुका है, जिसको बॉम्बिंग के लिए स्पेशली तैयार किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि भारत किसको जवाब देने के लिए तैयार कर रहा है, ठीक है। इसमें विंग्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें 6 हेल्ला मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है। इसमें सैटेलाइट गाइडेंस टर्बोट इंजन भी लगाया जाएगा, जिसकी मदद से कंटिन्यू 12 घंटे तक ही उड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर से इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। इसमें विंग्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें 6 हेलेना मिसाइल कैरी कर सकें और जिसमें सैटेलाइट गाइडेंस टर्बाइन इंजन भी लगे होंगे, जिसकी मदद से कंटिन्यू 12 घंटे की उड़ान ये आराम से भर सकता है। अर्चर ड्रोन की डिटेल अभी पब्लिक डोमेन पे पब्लिश नहीं की गई है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी मई के, मतलब मेरा ये होप है कि मई में इसका पहला फ्लाइट टेस्ट किया जा सकता है। तो DRDO के इस खास ड्रोन टेक्निक पर आपका क्या मानना है, और इस चीज़ पर आप स्पेसिफिकली ये बताइएगा कि चाइना जो एक्टिविटी कर रहा है, भारत भी इक्वली उसकी एक्टिविटी, उससे बेहतर एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है, क्या आप इस चीज़ को गौर से देख पा रहे हैं, इस पर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।